नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम गुरुआ प्रखंड में, गुरुआ पंचायत में है, गुरुआ प्रखंड के, जो कि गया जिले में पड़ता है। और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं सुरेंद्र यादव जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नल जल योजना पे हम करेंगे। क्या लग रहा है नल जल योजना की वर्तमान स्थिति पंचायत में आपकी क्या है? नल जल की योजना की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। पीएचडी विभाग को फोन करते हैं, बहुत करने पे काम करता है। इससे बढ़िया था नल जल, पहले वार्ड सदस्य लोग संभालते तो वही ठीक था। अभी वर्तमान में स्थिति खराब है नल जल का। मतलब पहले जो आप लोग के जो हैंड में था, पंचायती राज के हैंड में था, उस समय के मुकाबले अगर अभी की तुलना करें पीएचडी विभाग की, तो लापरवाही है? अभी बहुत लापरवाही है, बहुत ज़्यादा। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन सही से मिल रहा है? राशन अच्छा व्यवस्था है। कितना डीलर है आपके यहाँ? 8। मतलब 8 डीलर में, मतलब कि सभी का शिकायत आता है या फिर सभी का ठीक ठाक? शिकायत राशन में नहीं आता। नल जल की क्या व्यवस्था है समुचित, अगर आप बोल रहे हैं पीएचडी विभाग की लापरवाही है, तो फिर जनता को उसका लाभ कैसे मिल पा रहा है जो कि वंचित है? कहीं जा ही नहीं रहा नल जल का पानी, 3-4 वार्ड में जाता है सिर्फ पानी। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं इस बातों को लेकर? जो पहले का वार्ड सचिव लोग देख रहे थे नल जल को, वो स्थिति में नल जल ठीक से चल रहा था, लेकिन अभी के स्थिति में पीएचडी विभाग को फ़ोन करते हैं तो वो बनाएगा, 4-5 दिन में भी नहीं बन सकता पानी के लिए। आप क्या कहते हैं जनता जब आपके यहाँ आती है शिकायत करने, तो क्या कहते हैं? हम लोग कुछ देखते हैं 19-19 करके, लोग वार्ड सदस्य लोग 1-2 रुपया तहसील को उसी में से बना लेता है लोग पैसा तहसील के, मतलब चंदा करके। लेकिन पीएचडी विभाग वाले दम सुस्त। नरेगा से काम हुआ है पंचायत? नरेगा से अच्छा काम हुआ। कितना का काम करवाए? शहरी क्षेत्र है इसलिए थोड़ा कम नरेगा से यहाँ काम हुआ है, लेकिन फिर भी लगभग अच्छा काम हुआ। क्या कहेंगे सरकार से विकास को लेकर के, क्या अपील करना चाहते हैं जिससे कि पंचायत में विकास हो सके? पंचायत में विकास नली गली हो तो ज़्यादा बेटर होगा। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार हम लोग के तो देख रहे हैं कि पैसा दे ही नहीं रही है। गांधी जी का सपना रहा है ग्राम पंचायत को सबसे ऊंचा रखना। हाँ, स्थिति तो जब हम लोग को जो पैसा जब मिल रहा था फर्स्ट राउंड में हम लोग जीत के आए थे तो अच्छा पैसा खासा खर्च किए, वो व्यवस्था तो कम से कम ठीक है। सब घर में नल जल अथी पहुँच जा रहा है, सड़क बना है, फेवर ब्लॉक ये सब वगैरह नाली का निर्माण हुआ है, पंचायत में विकास हुआ है। विकास हुआ है, क्षेत्र में मुखिया जी घूमती हैं। यस, जनता से रूबरू होती है। हाँ, जनता का जो छोटा मोटा काम है वो हो पाता है ऑनलाइन वगैरह? हाँ, ब्लॉक गुरुआ पंचायत शहरी क्षेत्र है इसलिए ब्लॉक भी नज़दीक है, इसलिए सबका काम जल्दी से हो जाता है, निपटारा भी हो जाता है। पैसे के भी लेन देन होती है क्या? पैसा लेन देन नहीं होता यहाँ के, किसी बच्चा से पूछिएगा आवास में 1 रुपया यहाँ नहीं लगता। सरकारी जो पदाधिकारी हो, लोग लेते होते हैं कि नहीं लेते? किसी तरह का नहीं। जब मुखिया ही बोल दिया कि किसी को पैसा नहीं देना है, तो हमने पेपर में भी दिया है स्टेटमेंट कि किन्हीं को पैसा नहीं देना है, आवास फ्री में होता है। चलिए, थे सुरेंद्र यादव जो कि गुरुआ पंचायत के मुखिया हैं, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पर काम किया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क, गया।